पॉपुलर किचन रेसिपी में आज हम बनाएंगे मसाला पालक पूरी, जो खाने में टेस्टी लगेगी और क्रिस्पी भी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर मसाला पालक पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक लेंगे, तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ करके ही हमें लेना है पालक को। तो अब हमें इसे बॉयल करना है, तो मैं सारा पालक एक पैन में डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी डालूंगी। हमें पानी उतना डालना है कि पालक हमारा डूब जाए। इसे हम कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिससे कि हमारा जो पालक है हरा भरा रहेगा, वो है चीनी। तो चीनी मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ, कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट बाद हमारे पालक में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो हम इसे ठंडे पानी में निकाल लेंगे, इससे हमारी पालक की एक्स्ट्रा कुकिंग रुक जाएगी। अब हमें इसे पीस लेना है मिक्सी में, एकदम प्यूरी बना लेनी है। इसके बाद हम कोई परात या कोई बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें आटे को गूंथना है। तो मैं यहाँ पर परात का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कटोरी हम यहाँ पर डालेंगे गेहूँ का आटा। इसके बाद 1/2 कटोरी हम यहाँ पे डालेंगे सूजी। सूजी से हमारी पूरी में एक क्रिस्पीनेस आएगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे कि जीरा, हरी मिर्ची, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची पाउडर। आपको यदि हरी मिर्ची को स्किप करना चाहें तो आप लाल मिर्ची डालिए, यदि आप दोनों डालना चाहें तो आप दोनों भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर मसाला पालक पूरी बना रहे हैं, तो सारे मसाले हम आटे में डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से एक अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हाथों से मैंने रगड़ लिया है, अजवाइन डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हम यहाँ पर डालेंगे धनिया। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ, इससे क्रिस्पीनेस आएगी। ये देखिए मैंने पालक को एकदम फाइन प्यूरी बना ली है, और आप कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना ग्रीन कलर आया है हमारे पालक का। तो हम इसे आटे में डाल देंगे। अभी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले हमें पालक को अच्छे से आटे में मसल लेना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो डो है ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। नॉर्मली हम जैसे कचौड़ी या पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं, हमें उसी तरीके का डो चाहिए। तो हम इसे कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी का फूलना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए और मसल लेंगे, इसे चिकना कर लेंगे। जितना अच्छे से हमारा आटा गूंथेगा हमारी पूड़ी उतनी ही ज़्यादा फूल करके आएगी। तो यहाँ पर मैंने गूंथ लिया है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाना शुरू करते हैं। मीडियम साइज़ की हमें इसकी लोइयाँ बनानी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से सभी लोइयाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी लोइयाँ बना ली हैं, और हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया है जिससे कि हमारी लोइयाँ सूखे नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है। हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी को बेलने के लिए। आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल ना करें। यदि आपका आटा हल्का पतला हो गया है तो आप वहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सभी पूड़ियों को बना लिया है। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसी तरीके से सभी पूड़ियों को बना लिया है, और रायते से मैंने इसको सर्व किया है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी पूड़ी बन करके तैयार हुई है। आप पूरी को किसी भी सूखी सब्जी के साथ, रायते के साथ या अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। या कभी भी जब सफ़र में जा रहे हो तो आप बना करके ले जाइए। ये 2 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी। आपको ये मेरी मसाला पालक पूरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।